क्रिकेट जगत के चार धुरंधर बल्लेबाज जिन्होंने बल्ले से तो कमाल दिखाया ही, उसके साथ साथ बॉलिंग से भी कई रिकॉर्ड बनाए, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिकेट में एक मजबूत टीम बनाने के लिए टीम के पास बेहतरीन बैटिंग ऑर्डर, शानदार गेंदबाज और विस्फोटक ऑलराउंडर होना जरूरी होता है। क्रिकेट जगत में कई बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में शानदार प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन आज हम उन चार बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने बल्ले से तो कमाल दिखाया ही, लेकिन गेंदबाजी में भी अपने हाथ आजमाकर कई बल्लेबाजों का शिकार किया है और कई गेंदबाजों से बेहतर रिकॉर्ड बनाए हैं। इन चार बल्लेबाजों ने अपने करियर में जबरदस्त गेंदबाजी की। दोस्तों, सबसे पहले बात हम करेंगे श्रीलंका के सनत जयसूर्या के बारे में, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दम पर अपनी टीम को कई मैच जिताए हैं। लेकिन सनत जयसूर्या वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कई बार कमाल दिखाया था। जयसूर्या ने अपने करियर में 441 मैचों में 320 विकेट चटकाए। यही नहीं, वनडे इंटरनेशनल में वो श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जयसूर्या तीसरे नंबर पर भी है। टेस्ट में भी जयसूर्या ने 98 विकेट अपने नाम किए थे और उनका इकोनॉमी रेट भी काफी शानदार रहा है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर बात करें तो वेस्टइंडीज के क्रिस गेल भी उन बल्लेबाजों में शुमार हैं जिन्होंने बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी में भी शानदार खेल दिखाया। बैटिंग के अलावा क्रिस गेल का गेंदबाजी रिकॉर्ड भी बेहतरीन रहा है। गेल राइट आर्म ऑफ स्पिन किया करते थे। गेल ने अपने करियर में 260 विकेट लिए। वनडे में गेल के नाम 167 विकेट हैं। टेस्ट में 73 और T20 में गेल ने 20 विकेट लिए हैं। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में तीन बार वो 5 विकेट चटका चुके हैं। वहीं T20 फॉर्मेट में उनकी इकोनॉमी रेट 6.92 की है। तीसरे नंबर पर बात करें तो दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपने बल्लेबाजी से पूरी दुनिया पर राज किया ही, लेकिन गेंदबाजी में भी सचिन ने कई विकेट अपने नाम किए। सचिन गेंदबाजी में भी किसी से कम नहीं रहते। सचिन ने अपने करियर में 200 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए। सचिन ने टेस्ट में 46 विकेट, वनडे में 154 विकेट और T20 में 1 विकेट अपने नाम किया था। सचिन ने अपने करियर में 2 बार 5 विकेट चटकाने का कारनामा भी किया था। चौथे नंबर पर बात करें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमन भी जितने विस्फोटक बल्लेबाज थे उतने ही खतरनाक गेंदबाज भी थे। वो मीडियम पेस और राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करने में सक्षम थे। साइमंस ने टेस्ट क्रिकेट तो ज्यादा नहीं खेला, लेकिन सीमित ओवरों के खेल में उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की। साइमंस ने वनडे क्रिकेट में 133 विकेट लिए थे। टेस्ट में उनके नाम 24 विकेट और T20 में 8 विकेट है। साइमंस ने अपने करियर में 2 बार 5 विकेट चटकाने का कारनामा भी किया था। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।